सभी को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अलंकार प्रकरण के तहत दृष्टांत अलंकार और मानवीकरण अलंकार का अध्ययन करेंगे। दृष्टांत अलंकार किसे कहते हैं, दृष्टांत अलंकार का उदाहरण क्या होता है, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं और मानवीकरण अलंकार का उदाहरण क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा देख लीजिए। दृष्टांत अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषा देखेंगे दृष्टांत अलंकार की। काव्य में जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाती है, और जब ये दोनों बात, पहली बात जो कहके उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जा रही है, इसमें किसी भी प्रकार का योजक शब्द नहीं होता है, और इसमें उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, यानी एक दूसरे की जो विशेषता है वो बिंब प्रतिबिंब के रूप में उपमेय और उपमान वाक्य में अपने को नजर आती है। यहां ध्यान रखने योग्य बात है, एक उदाहरण अलंकार भी होता है, उदाहरण अलंकार भी होता है, लेकिन ये हमारे कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में नहीं है। उदाहरण अलंकार में और दृष्टांत अलंकार में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, वहां पर भी एक बात कहकर के दूसरी बात उसके उदाहरण के रूप में कही जाती है, लेकिन यहाँ योजक शब्द आता है, जैसा, जैसे, इस प्रकार के योजक शब्द आते हैं, इसलिए वो उदाहरण अलंकार है। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार में एक बात कह करके दूसरी बात उसके उदाहरण के रूप में कही जाएगी, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार का योजक शब्द नहीं होगा, और उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार का उदाहरण देखेंगे, रहीमदास जी का जो है ये दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होई। ये बिगड़ी बात बने नहीं, ये क्या है, उपमेय वाक्य, और रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होई उपमान वाक्य, और इन दोनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव है। रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि कोई बात बिगड़ जाए तो लाख कोशिश कर लो, लेकिन वो बात वापस सुधर नहीं पाती है। अब इसको उदाहरण के तरीके से समझाया, उदाहरण देख के समझाया कि फटे हुए दूध को चाहे कितना भी आप जो मथ लो, उससे मक्खन नहीं निकाला जा सकता है। इस प्रकार इस उदाहरण में एक बात कह करके उससे के उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही गई है, और यहाँ कोई भी योजक शब्द नहीं है, और पहले वाक्य यानी उपमेय वाक्य और दूसरे वाक्य उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव होने से यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। जो उदाहरण हमने देखा था उसका एक बार अर्थ सहित हम व्याख्या देख लेंगे। रहीम कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात लाख कोशिश करने पर भी नहीं बन सकती, ठीक उसी प्रकार जैसे फटे दूध को मथने से मक्खन नहीं निकाला जा सकता। यहाँ पर बिगड़ी हुई बात उपमेय में फटे हुए दूध मक्खन, फटे हुए दूध को मथने से मक्खन नहीं निकाला जा सकता, ये उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव है, और एक बात को जो है उदाहरण से समझाया है, लेकिन यहाँ कोई योजक शब्द नहीं होने से दृष्टांत अलंकार है। दूसरा अलंकार आज का है मानवीकरण अलंकार, यानी मनुष्य की क्रियाओं का आरोप, मनुष्य की क्रियाओं का आरोप, मनुष्य की क्रियाओं का आरोप किस पे किया जाएगा, जो निर्जीव हैं, जो जड़ हैं। अब कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती है जो मनुष्य है, जैसे हंसना ये क्रिया है, रोना, देखना, चलना, ये सारी क्या है, ये क्रियाएं हैं, और इन क्रियाओं को अंजाम देने का काम केवल मनुष्य कर सकता है, क्योंकि मनुष्य है जो चेतन है, मनुष्य सजीव है, और इन सारी क्रियाओं का वो कर सकता है। लेकिन ये सारी क्रियाओं का आरोप यदि हम निर्जीव पर कर दें, प्रकृति पर कर दें, जड़ चीज पर कर दें, जो ये काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनको जो है ऐसा करता हुआ बताते हैं,
या कवि ऐसा करता हुआ उसका वर्णन करता है तो वहां पर जो है मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए काव्य में जब जड़ या निर्जीव वस्तु हो चाहे प्रकृति हो इस पर चेतनता का और मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। चेतनता सजीव में होती है, मानवीय क्रियाएं भी सजीव ही करते हैं, लेकिन इन दोनों का आरोप जड़ या निर्जीव वस्तुओं पर या प्रकृति पर किया जाता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ऐसा कवि वर्णन करता है कि जैसे प्रकृति है या जड़ या निर्जीव जो वस्तु है वो मनुष्य के जैसे जो है कार्य कर रही है, मनुष्य की जैसे क्रियाएं कर रही है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार का उदाहरण जो है हम यहां देखेंगे, कवि वर्णन कर रहा है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनगट में डुबो रही तारागट उषा नागरी। तो यहां जो उषा रूपी नायिका है, उषा काल कहते हैं प्रातः काल, उषा रूपी नायिका, अब उषा जो प्रातः काल का समय है ये निर्जीव है, जड़ है या प्रकृति की कोई क्रिया है, इस पर हम मानवीय क्रिया का आरोप लगा रहे हैं, यानी उषा रूपी ये नायिका है जो क्या कर रही है, तारे रूपी घड़े को अंबर पनकट में डुबो रही है, आकाश रूपी पनगट में, यानी कवि क्या वर्णन कर रहा है, कवि मुख्यतः वर्णन कर रहा करना चाह रहा है कि रात बीत गई है और उषा काल का समय हो चुका है, और जब रात बीतने पर जो प्रातः काल उषा काल का समय होता है उसमें जो पणिहारी है वो पनगट पर पानी लेने जाती है और पनगट से पानी लाती है। इसी बात को कवि ने ऐसे समझाया है कि यानी रात बीतने का कैसे पता चल रहा है कि उषा रूपी नायिका यानी प्रातः काल का जो समय हुआ यानी उषा रूपी जो नायिका है वो तारे रूपी घड़े को अंबर रूपी पनगट में डुबो रही है या डुबोने की क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है, डुबोने, और डुबोने की क्रिया का आरोप किया है किस पर, उषा रूपी नायिका पर, क्योंकि डुबाने का काम तो मनुष्य कर सकता है सजीव कर सकता है, लेकिन प्रकृति की कोई क्रिया या जड़ या जो निर्जीव है अचेतन है वो डुबोने का काम नहीं कर सकते हैं। तो जब प्रातः काल का समय होता है तब तारे जो है, अब रात को तारे दिखते हैं और प्रातः काल ये तारे धीरे धीरे आकाश में गायब हो जाते हैं, तो इसको कवि ने ऐसे बताया है कि प्रातः काल जो उषा रूपी नायिका है वो अपने तारे रूपी घड़े को आकाश रूपी जो है पनगट में डुबो रही है। इसका मतलब है रात बीत गई है और प्रातः काल का समय हो रहा है। इस बात को उषा रूपी नायिका के ऊपर घड़े को डुबाने का आरोप किया गया है और घड़े को जो है डुबाने का जो काम है सजीव करते हैं, इसलिए इस प्रकार यहां पर आरोप करने से यहां मानवीकरण अलंकार हो गया। उस उदाहरण को विस्तृत रूप में देख लेते हैं, जो मानवीकरण का जो उदाहरण था कि उषा रूपी नायिका तारे रूपी घड़े को अंबर या आकाश रूपी पनगट में डुबो रही है, या प्रकृति, प्रकृति यानी उषा काल पर मानवीय क्रिया कौन सी है, घड़े को डुबोना का आरोप किया है, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। इस प्रकार जहां जहां जड़ वस्तुओं पर, निर्जीव वस्तुओं पर, अचेतन वस्तुओं पर या फिर प्रकृति पर जो है मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाएगा वहां वहां जो है आपके मानवीकरण अलंकार होगा। इसके अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं, एक बार जो आठ ही अलंकार हमने पढ़े हैं उनको समरी के रूप में हम देख लें। व्यतिरेक, व्यतिरेक क्या है, उपमेय में कोई बात अधिक किससे, उपमान, उपमेय में कोई बात अधिक किससे, उपमान, प्रतीक उपमान को उपमेय के समान न बताकर हीन बताना,
यानी कहने का मतलब किसका उल्टा हो गया, उपमा का उल्टा। उपमान को उपमेय के समान न बता करके हीन बताना। या उल्टा कर दे अपन, उपमान को उपमेय के समान बता करके हीन बताया जाता है, यानी उपमा का उल्टा है। विशेषोक्ति में देखिए, विशेषोक्ति में आपके कारण है कर्ण, विभावना में बिना कारण कार्य, कारण नहीं है फिर भी कार्य। अन्योक्ति में अप्रस्तुत से प्रस्तुत का बोध, अप्रस्तुत से प्रस्तुत का बोध। समासोक्ति में प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध। समान विशेष समान विशेषण। दृष्टांत में पहली बात को उदाहरण उदाहरण से समझाए, बिंब प्रतिबिंब का, बिंब प्रतिबिंब का भाव, मानवीकरण जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप, जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप। देखिए व्यतिरेक में उपमेय में कोई बात जो है उपमान से ज्यादा बताई जाएगी व्यतिरेक है, प्रतीक उपमा का उल्टा होता है। यहाँ उपमा में तो हम क्या करते हैं, उपमेय की तुलना उपमान से करते हैं, यहाँ उल्टा हो रहा तो उपमान की तुलना जो उपमेय से की जाएगी, लेकिन फिर भी उपमान को जो है उपमेय के बराबर नहीं बताया जाएगा, कुछ न कुछ उसमें कमी बताई जाएगी। विशेषोक्ति में कारण है कार्य नहीं हो रहा, विभावना में कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा, अन्योक्ति में अप्रस्तुत से प्रस्तुत का बोध करवाया जा रहा है, समासोक्ति में प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध करवाया जा रहा है, लेकिन वो भी समान विशेषणों के प्रयोग से। दृष्टांत में पहली बात कही जाएगी, दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही जाएगी, लेकिन कोई भी उसमें जो है योजक शब्द नहीं होगा, और बिंब प्रतिबिंब का भाव जो उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में होगा। मानवीकरण अलंकार जड़ या प्रकृति पर मनुष्य की क्रियाओं का आरोप किया जाए, वहां पर जो है मानवीकरण अलंकार होता है। इस प्रकार देखिए, ये 1 से 8 अलंकार हमने पढ़ लिए हैं, और ये 8 अलंकार से आपके 8 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं, 4-4 अंक के 2 प्रश्न हैं, एक परिभाषा और उदाहरण का, एक किसी अलंकार और दूसरे अलंकार में अंतर, यानी 2 अलंकारों में अंतर का एक प्रश्न, एक उदाहरण परिभाषा का प्रश्न।